हेलो दोस्तों, एच डी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ छह कली वाला पेटीकोट। इस पेटीकोट को एक्सल साइज और डबल एक्सल साइज वाले इजीली पहन सकते हैं। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप चार कली वाला भी बना सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारी बंद साइड और ये हमारी ओपन साइड। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा लेंथ वाला पोर्शन है, और यहीं से हम विड्थ वाली साइड से फोल्ड कर देंगे और इसे 4 फोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद, इक्वली फोल्ड करने के बाद, जो किनारी वाली साइड है उसे मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मार्क करना है तो और आपको साथ में इजीली दिख भी जाएगा। तो यहाँ पर ये किनारी वाली साइड है, इधर से हम निकालेंगे फ्रिल वाला पोर्शन। तो ये हमारी 2 ओपन साइड्स और इधर हमारी 4 ओपन साइड्स। तो 4 ओपन साइड्स ही हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से हम पट्टी निकाल लेते हैं 2.5 इंच की, जो कि हमें फ्रिल के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क कर देती हूँ और ये हमने मार्क कर दिया है। अब मैं इसे फटाफट से कटिंग कर देती हूँ। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रिल के लिए 2 इंच की हमें पट्टी चाहिए थी, बेसिकली 1/2 इंच हमने सीम के लिए छोड़ा है जिसमें सिलाई लगेगी। तो यहाँ से अब ये हमारा हो गया है। अब हम आते हैं बेल्ट पर। तो ये जो ओपन 4 ओपन साइड्स हैं, यानी कि 4 ओपन साइड्स है, उसे हम फोल्ड कर निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट हमारी होती है 2 इंच की और यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4 इंच, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल लेंगे 5 इंच, 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी लाइन खींच के हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पट्टी 5 इंच की बिल्कुल रेडी है, कटिंग कर ली है हमने इसकी। ये हमें बेल्ट के लिए चाहिए तो अभी हम इसे साइड रखते हैं और अब करते हैं हम कटिंग पेटीकोट की। ये जो हमारी ओपन साइड थी, 4 ओपन साइड्स, तो हम वहीं से मार्क करेंगे। सबसे पहले हम सिलाई के लिए 1 इंच ले लेंगे और 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इसे अभी कटिंग नहीं करना है, इसे सिर्फ अभी हम लाइन डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमारी है 33 इंचेस, जिसमें मैं 4 लेस करी तो 29 इंचेस बनता है। तो यहाँ पर मैंने 29 इंच पे मार्क कर लिया है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे, जो कि हमारे नीचे फ्रिल के साथ सिलाई जाएगी। तो ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया और अब हम जो एक्स्ट्रा लिया है, हाइट वाला पोर्शन है जो फोल्डेड है, उसे हम कट कर देंगे। ये फैब्रिक है, ये अगर हमें प्लीट्स के लिए, यानी कि जो हम फ्रिल बनाएंगे उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हम उसे यूज़ कर सकेंगे। तो इसे अभी हम साइड कर देते हैं और अब आते हैं बैक टू कलियों पे। कलियों की तरफ, तो कलियों के लिए चाहिए हमें कमर का नाप, जो कि हमारा 34 इंचेस। तो 34 इंचेस में हम प्लस करेंगे 4 इंचेस और उसे हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो जो कि आएगा हमारा 4.5, यानी कि 4.75, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो कि हमारा होगा सीम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4.5 इंच। ऐसे ही हम यहाँ पर बंद साइड से भी मार्क कर लेंगे और ये जो मार्क जा रहे हैं इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो इसे कट करने के बाद ये हमारी कली रेडी हो चुकी है और ये हमारी एक कली, तो ये हमारे आगे पीछे आएगी और ये हमारा पोर्शन हो गई 4 कली अलग से। तो ये टोटल 6 कलियाँ हमारी कट चुकी हैं और अब हम एक चीज़ और करेंगे इसमें, तो मैं वो आपको बताती हूँ। पहले लेंगे हम ये कली, तो हम कलियाँ इक्वल करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक और ऊपर की तरफ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो अब इन फैब्रिक को हमें कट करना है। तो देखो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट करना है हमें। तो चलो पहले इसे कट कर लेते हैं। सबसे कलियां कट करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारी जो बंद वाली थी उन्हें भी हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे मेन वाली कली, जो हमारी बड़ी कली थी। अब जो हमारी जो साइड्स वाली कली लगेंगी वो हमारी ये वाली है।
तो ये है हमारा तिरछी वाली साइड और ये हमारी सीधी वाली साइड। तो हमें सीधी वाली साइड को उससे अटैच करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर रख देंगे सीधी वाले पोर्शन। तो आपको याद है ना कि कौन सी थी सीधी वाली और कौन सी थी तिरछी वाली। तो चलो एक बार देख लो फिर से, और उसे भी हमने ज्वाइंट कर देना है। तो जो ज्वाइंट वाली साइड है वो हमारी सीधी साइड होगी और दूसरी हमारी तिरछी साइड होगी। तो अब हम फटाफट इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है जो कि मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, वो भी राइट ऑन राइट, यानी कि ये हमारी सिलाई। तो अब हम ये साइड वाली सिलाई कर देंगे और एक साइड नहीं करेंगे। ये हमने सिलाई कर दी है। अब हम लेंगे 2.5 इंच वाली पट्टी और इसके हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हमें सीधी तरफ से उल्टी तरफ की तरफ लेके जानी है, जो कि आपको मैं भी दिखाऊंगी। या सीधी तरफ से लगानी है, प्लीटे बनाते हुए ले जाना है और फिर हम उसे पलट देंगे। और एक और तो ये हमारा सीधी वाले पोर्शन है। अब इसके ऊपर हम प्लीट्स बनाएंगे। तो प्लीट्स हमें कुछ इस तरीके से बनानी है, ज्यादा छोटी नहीं बनानी और ना ही ज्यादा बड़ी बनानी है, मीडियम साइज की बनानी है। उसे बनाते हुए ध्यान रखना है कि ज्यादा फैब्रिक ना लगे अंदर प्लीट्स में, नॉर्मल फैब्रिक आए। प्लीट्स बनाते बनाते हम एंड तक आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फैब्रिक कम पड़ गया है। तो अब मैं लूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसके साथ जॉइंट करके प्लीट्स आगे कंटिन्यू कर दूंगी।
यहाँ पर हमारी प्लीट्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करनी है इस पर फिनिशिंग की सिलाई, तो हमने मार्जिन एक तरफ कर देना है और प्लीट्स दूसरी तरफ, और बीच में हम लगाएंगे ये फिनिशिंग की सिलाई। तो ऐसे ही मैं पूरे पे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी फ्रिल्स भी रेडी हो गई, कली भी रेडी हो गई। अब हमारी बारी आती है बेल्ट की, तो यहाँ पर हम 2 फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारी ओपन साइड है उसे हम इक्वल करके सेट कर लेंगे, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऊपर से 3.5 इंच। तो यहाँ पर 3.5 इंच हम गैप छोड़ रहे हैं ताकि हमारी बॉडी आराम से घुस सके इसमें, और यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन को हम सिल देंगे। तो चलो सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ओपन साइड थी उसे हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम चाके फोल्ड करते हैं सेम वैसे ही। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। इक्वल रखना, टेढ़ा या कुछ अलग ना जाए। इन दोनों को इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई कैसे लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम जो फोल्ड वाला पोर्शन है उस पर सिलाई लगाते जाएंगे सीधी सीधी। जब स्टिच करते करते एंड तक आ जाए, यानी कि जॉइंट वाले पोर्शन पे आ जाए, तो एक बार फैब्रिक को दूसरी तरफ घुमा के सीधी सिलाई लगा लेना। सिलाई सिर्फ एक साइड लगानी है। अब दूसरा पोर्शन लेना, उसे भी फोल्ड कर देना है और उस पर भी सिलाई लगा देंगे। और अब फिर से हम एक बार इसे घुमा देंगे और यही फोल्ड पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे सिलाई के साथ। ये कुछ इस तरीके से रेडी कर देना है। अब जो हमने पट्टी बनाई थी यानी कि 5 इंच की, उसे एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे स्ट्रिच कर देंगे इसके साथ। इसको हम उल्टी तरफ से लगाएंगे और ये हमने बिल्कुल रेडी कर लिया। तो ये फोल्डेड पार्ट को हम यूं फोल्ड करेंगे और मार्जिन को अंदर करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगानी है। मार्जिन को अंदर करते हुए इसे फोल्ड करना है और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इस पे झोल आने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखना कि झोल ना आए। ऐसी सिलाई आपको पूरे पेटीकोट पे रेडी कर लेनी है, बेल्ट पूरी रेडी कर लेनी है। तो ये देखो हमारा ये पेटीकोट बिल्कुल रेडी हो गया, 6 कलियों वाला पेटीकोट। तो ये है हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।